हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं 2024 के सबसे बेस्ट 24 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे UTL गामा प्लस 3350, ए प्रो 3200, स्मार्टन सुपर्ब प्लस 3250 एंड रोवर 3024। इन चारों इन्वर्टर का कंपेयर करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आप डिसाइड भी कर पाओगे कि इन चारों में से कौन सा इन्वर्टर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी इन्वर्टर में एल्युमिनियम वाइंडिंग का यूज़ किया गया है। आशा पावर रोवर 3024 के अलावा इसमें कॉपर की वाइंडिंग यूज़ की गई है, साथ ही CRGO की कोर यूज़ की गई है और लेमिनेशन यूज़ किया गया है, जिसके कारण इस इन्वर्टर में नो लोड लॉसेज काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल में कंपैरिजन करते हैं सारे इन्वर्टर का। दोस्तों, चारों इन्वर्टर का कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले UTL गामा प्लस है, फिर इसके बाद दोस्तों ये प्रो 3200 है ट्रॉन, इसके बाद स्मार्टन सुपर प्लस 3250 है, फिर रोवर 3024 है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि सारे के सारे इन्वर्टर 3000 VA के इन्वर्टर है और 24 वोल्ट के इन्वर्टर है। सारे के सारे डबल बैटरी वाले इन्वर्टर है। अगर पैनल सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैनल सपोर्ट है रोवर 3024 और ईए प्रो ट्रॉन में। UTL गामा प्लस 3350 में 2160 वाट का पैनल सपोर्ट है, जबकि ईए प्रो 3200 में 3000 से ज़्यादा वाट की पैनल आप लगा सकते हो। और स्मार्टन सुपर प्लस 3250 में 2500 वाट का सोलर पैनल है। अगर रोवर 3024 की बात करें तो यहाँ पर 3500 वाट का सोलर पैनल सपोर्ट दिया गया है। अगर चार्ज कंट्रोलर की बात कर लें, UTL गामा प्लस 3350 में 50 एम्पियर का M50 सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया गया है, जबकि ट्रॉन में 104 एम्पियर का M50 सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया गया है। और स्मार्टन सुपर प्लस 3250 में 70 एम्पियर का M50 सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है। वही आशा पावर रोवर 3024 में 80 एम्पियर का M50 सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे लोड की बात कर लें तो UTL गामा प्लस 3350 9 एम्पियर तक का लोड बहुत ही आराम से चला लेगा और 1 HP के वाटर पंप को भी चला देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ये प्रो ट्रॉन की, तो 9.5 एम्पियर तक का लोड, 2400 वाट तक का लोड मैक्सिमम, 1.5 HP का वाटर पंप या फिर 1.5 टन का इन्वर्टर ऐसे ही आराम से चला सकता है। अगर इसकी बात करें स्मार्टन सुपर प्लस 3250 की, तो 1.5 टन का इन्वर्टर ऐसे बहुत ही आराम से चला सकता है। आशा पावर रोवर 3024 की बात करें तो 2400 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से चला सकता है। और VOC की बात करें तो UTL गामा प्लस 3350 106 वोल्ट, ट्रॉन की 110 वोल्ट और स्मार्टन सुपर की 102 वोल्ट और आशा पावर रोवर 3024 की 110 वोल्ट। तो कोई भी जो पैनल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, सारे आप लगा सकते हो, चाहे टॉपकॉन हो। थोड़ा इसमें दिक्कत आ सकती है स्मार्टन सुपर प्लस 3250 में, यहाँ पे VOC थोड़ी कम दी गई है और ग्रिड चार्जिंग ऑन ऑफ का अलग से सपोर्ट दिया गया है तीनों ही इन्वर्टर में, केवल ट्रॉन में नहीं अलग से सपोर्ट। यहाँ पे SL4 सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, बट अलग से फंक्शन नहीं दिया गया है ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का। और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सपोर्ट की बात करें तो UTL गामा प्लस में यदि आप आपके डीलर को बताते हो कि सर मुझे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी वाला इन्वर्टर चाहिए, तो वो अलग से इन्वर्टर आपको दे देगा। और अगर नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें तो किसी में सपोर्ट नहीं है, केवल आशा पावर में है रोवर 3024 में। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों, प्राइस की सबसे पहले बात करें 17,500 तक ही मिल जाएगा UTL गामा प्लस 3350, और ट्रॉन आपको 17,000 से 18,300 तक मिल जाए। स्मार्टन सुपर प्लस 3250 17,500 तक आपको मिल जाएगा और ये 32,000 से 34,000 तक आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे स्पेशल फीचर की बात करें तो UTL की सर्विस काफ़ी अच्छी है, इन्वर्टर में PCU स्मार्ट हाइब्रिड मोड है और चार्जिंग करंट को आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रॉन की बात करें तो अच्छा पैनल सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा पैनल सपोर्ट है कम प्राइस में,
और लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, बट यहाँ पर कंपनी की सर्विस बहुत कम जगह उपलब्ध है। स्मार्टन का भी अच्छा है लोड सपोर्ट। और अगर रोवर 30 चॉइस की बात करें तो यहाँ पे लॉसेस बहुत कम होंगे इन्वर्टर में, क्योंकि यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग तथा लिथियम सीआरजीओ कोर तथा लेमिनेशन का यूज़ किया गया है। और दोस्तों आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा इन्वर्टर खरीदना चाहिए। थैंक यू सो मच।